कितनी उम्र हो रही है आपकी? 17 साल के। 100-200 रुपए अपने खर्चे पाने के लिए कमा लेते हैं और खा लेते हैं। बस 8वां तक आप पढ़े, उसके आगे नहीं पढ़े? उसके बाद पैसा ही नहीं था, फिर पढ़ते कहाँ से थे। मम्मी पापा कुछ कमाते हैं या घर पे रहते? कुछ नहीं कमाते, वो खेती बाड़ी का धंधा है, जो किसी का कर्जा लिया हुआ है वो खेती में से कमाते और खेती में कर्जा में दे देते हैं। हाँ, 2-4 हज़ार हो जाता है महीने, वो भेज देते हैं। बस 2-4 हज़ार रुपये? और क्या मजबूरी आ गई कि 100-200 कमाने के लिए घर वाले आपको यहाँ भेज दिए? मजबूरी क्या, जब घर में माँ पिताजी बड़े बूढ़े हैं तो जब बड़ा मैं ही हूँ तो मुझे ही कमाने के, तो मुझे ही कमाने के अपनी फर्ज अदा कर रहे हो, अपने फर्ज अदा करने के लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। रोजगार को लेकर के लोग कितने परेशान होते हैं कि जिस उम्र में लोगों को पढ़ना चाहिए, जिस उम्र में लोग अपने घर में खेलते हैं, उस उम्र में लोग अपने घर को छोड़ कर के दूसरे बड़े शहरों में जा कर के 100-200 रुपया कमाने को मजबूर हो जाते हैं। जिस उम्र में लोग खिलौना से खेलना चाहते हैं, उस उम्र में लोग खिलौना बेचने के लिए भी मजबूर हैं। ये हालत है बिहार के, जहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 15 साल से सत्ता में बने हुए हैं, लेकिन आज भी वहाँ से पलायन रुक नहीं रहा है। आज भी पढ़ने की उम्र में लोग कमाने बाहर निकल जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसा ही लड़का है जो दिल्ली के इंडिया गेट पे कैमरा फोटोग्राफी करता है, जिसकी उम्र 15-18 साल हो रही होगी, और वो 100-200 रुपया कमाने के लिए अपने घर से 1500 किलोमीटर दूर है। जानेंगे कि आखिर क्या मजबूरी हुई कि इस उम्र में वो घर से कमाने बाहर निकल गया। आप कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से, दरभंगा। दरभंगा घर, वह क्या नाम हुआ आपका? दुर्वेश यादव। ये बताइए कि कितनी उम्र हो रही है आपकी? 17 साल। कितने कमा लेते हैं आप इंडिया गेट के पास फोटोग्राफी करके? 100-200 रुपये अपने खर्चे पाने के लिए कमा लेते हैं और खा लेते हैं। कितने पढ़े हैं आप? 8 तक। बस 8वां तक आप पढ़े हैं, उसके आगे नहीं पढ़े? उसके बाद पैसा ही नहीं था, फिर पढ़ते कहाँ से थे। देखिए कि लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं पैसों के अभाव में, ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं था इसलिए कहाँ से पढ़ते, जो इनका जवाब है वो बिल्कुल सही है। ये बताइए कि घर परिवार क्या करते हैं? मम्मी पापा कुछ कमाते हैं या घर पे रहते हैं? कुछ नहीं कमाते, वो खेती बाड़ी का धंधा है, जो किसी का कर्जा लिया हुआ है वो खेती में से कमाते और खेती में कर्जा में दे देते हैं। कर्जा लेकर के खेती करते हैं, फिर कर्जा भर देते हैं। और क्या, आप यहाँ से कमा करके घर भेजते हैं कुछ पैसा? हाँ, 2-4 हज़ार हो जाता है महीने, वो भेज देते हैं। बस 2-4 हज़ार रुपये? और यार, उतना दूर से आप 1500 किलोमीटर दूर जब ये दिल्ली आते हैं, 2-4 हज़ार भेजते, घर वाले कुछ बोलते हैं कि यार इतना से क्या होगा? तो घर वाले क्या बोलेंगे, उनकी भी मजबूरी है ना। उनकी भी मजबूरी। और कितने दिन से आप दिल्ली में हैं, यहाँ पे फोटोग्राफी इंडिया गेट के पास कर रहे हैं? लगभग 2 साल हो गए। 2 साल हो गए, 2 साल से हाँ चल रहा है। खाते पीते कहाँ रहते हैं, कहाँ है दिल्ली में? कोटला मुबारक पर। अच्छा, रूम किराया पे लिए हुए हैं? किराए पर रूम ले रखा है। वहीं खुद बनाते खाते हैं या बाहर खा पी लेते हैं? नहीं, होटल से भी खा लेते हैं, जैसे जेब में पैसा होता है, और नहीं तो अपने रूम में बनाते और खाते हैं। मात्र 100-200 ही कमाते हैं दिल्ली? हाँ यार, यहाँ 100-200 कमाने के लिए घर पे चले जाइए, वहाँ 100-200 नहीं कमा सकते हैं? वहाँ पर नहीं कमा सकते, कोई काम ही नहीं है, और जैसे खेती बाड़ी वो घर वाले संभाल लेते हैं, इसलिए। अच्छा, वहाँ काम ही कुछ नहीं है? काम ही कुछ नहीं है। क्या मजबूरी आ गई कि 100-200 कमाने के लिए घर वाले आपको यहाँ भेज दिए? मजबूरी क्या, जब घर में माँ पिताजी बड़े बूढ़े हैं तो जब बड़ा मैं ही हूँ तो मुझे ही कमाने के, तो मुझे ही कमाने के अपनी फर्ज अदा कर रहे हो, अपने फर्ज अदा करने के लिए। देखिए कि मजबूरी लोगों को किस तरीके से बेबस कर देती है, और जो लोग घर में बैठे रहते हैं, जो लोग एक से एक राय देते हैं कि लोग बाहर क्यों जाते हैं, घर में क्यों काम नहीं करते हैं, आप इनके सुने कि घर में 100-200 के लिए भी कुछ वैसा व्यवस्था है नहीं जहां से 100-200 रुपया कमा सकते हैं। ये हालात है बिहार में, जहां पे 15 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सत्ता में हैं, और हमेशा ये कहते नज़र आते हैं कि अब पलायन रुक रही है, लेकिन जो इनकी कहानी है, जो इन्होंने बात कही, वो हर सिस्टम को, जो हर सरकार जो सिस्टम में बैठी हुई है उसे सुननी चाहिए कि आखिर किस तरीके से लोग बेबस हैं, और कैसे इस युवा व्यस्त उम्र में अपने घर को छोड़ करके शहर में आते हैं, और यहाँ पे भी मात्र 100-200 रुपया कमा करके अपनी पूरी जवानी बिता देते हैं। ये सवाल है सरकार से कि आखिर कब तक अपने राज्य के इस तरह के युवा अपने घर को छोड़ करके दूसरे के शहर में जा करके 100-200 रुपया कमाते रहेंगे। दिल्ली से सौरभ राज, लाइव सिटीज़।